अच्छा तो नाजरीन ये सुबह के तकरीबन 10:30 हैं। दिखा लिखा ना ये लादीकोट में हम लोग हैं अभी इस वक्त। लादीकोट का इलाका है पड़ा चिनार, यहाँ पे हैं और सुबह तकरीबन 3 बजे से बर्फबारी शुरू है और ये जलील साहब भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं हमारे पीर साहब जलील हुसैन और अभी पहुंचे हैं बर्फबारी में और इलेक्शन की गेमा गेमी है। बेहतरीन वेदर है लाहौर और कराची वालों के लिए और हमारे लिए और यहाँ के लोगों के लिए तकरीबन नॉर्मल है, कॉमन है और यहाँ के लोग तो बहरहाल आदी हैं। अच्छा मौसम है मेरे हिसाब से सियाहत के लिए और ये बर्फ देख रहे हैं। ये टेंट लगाया था यहाँ पे मेहमानों के लिए, उस पर इतनी बर्फ़ आई है कि नीचे से टूटने का ख़तरा है और दरख्तों पे बेहतरीन ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़ के फल लगे हों। बेहतरीन मौसम है। और इलेक्शन इतनी सख्त सर्दी में भी इलेक्शन की गहमा गहमी है, लोग मसरूफ हैं, अपनी अपनी जो ड्यूटियां उनको दी गई हैं उस हवाले से। वालेकुम सलाम। ये देखें सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। मेरे कान में भी बर्फ चली गई है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता मैं बाहर की तरफ आपको लेके जाता हूँ। तो ये हम लोग अभी गेट से बाहर आ गए हैं। ये देखें सब लोग मसरूफ है अपने अपने कामों में। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे हो रहे हैं और तकरीबन 11 बजे मेरे ख्याल में यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर मीटिंग उसको कह सकते हैं। ये हैं, इस वक्त आपको मैं पहाड़ दिखाना चाहता था लेकिन बर्फबारी की वजह से ये नज़र नहीं आ रहे, धुंध सी हुई है। रोड तकरीबन रोड के ऊपर तो बर्फ, क्यों गाड़ियां सुबह से चल रही हैं तो बर्फ़ रोड पे नहीं है लेकिन साइडों पे आप देख सकते हैं ये तकरीबन 4 से 5 इंच तक बर्फ़ अब तक पड़ चुकी है। और वेदर अपडेट के मुताबिक शाम 7 बजे तक है। 7 बजे तक मेरे ख्याल में तो अगर 7 बजे तक यहाँ कंटिन्यूसली चलती रही तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तकरीबन 8 इंच 9 इंच तक जाएगी, जिसमें चलना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा, तो ये अभी हम लोग निकले हैं अभी कैंपेन के लिए। माहौल साजगार है और जो पड़ा चिनार के हवाले से लोगों के जो हमें खबरें दी जाती हैं वो सब बेकार हैं, कोई उसमें सदाकत नहीं है। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, पुरसकून पुरअमन, हर कैंडिडेट आज़ादी से हर जगह मूव कर रहा है, अपनी कैंपेन चला रहा है और इस बर्फबारी में भी तमाम कैंडिडेट्स अपनी जीत के लिए कोशा हैं। और माहौल तो आप खुद ही देख रहे हैं, अभी बर्फबारी की वजह से लोग ज़्यादा जो गैर ज़रूरी काम के लिए नहीं निकल रहे, ज़रूरी कामों से निकल रहे हैं, लेकिन माहौल बहरहाल ओवरऑल सुकून से है, अमन है, बेहतरीन माहौल।
जैसे जैसे हम लोग वो पादशाह के ऊपर के इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे ये बाजार शुरू हो गया, यहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा है तेज है। वो हम लोग जिस इलाके में पहले थे नंदीकोट में, वो इलाके पादशाह का स्टार्ट का एरिया था, स्टार्ट का, इसलिए वहाँ पे बर्फ की बर्फबारी दिखी। बनस्पति ऊपर के इलाके जैसे भी बाजार स्टार्ट हुए, खुली हुई है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, साथ काम भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। कानून के अलावा कानून बहुत ज़्यादा मजबूत, देख सकते हैं आप।